Press the bell icon of the e-Parshala channel and never miss another update. So guys, welcome back to your class and this is your Vijay here. और बहुत बहुत दोस्तों आपका स्वागत है ई पाठशाला के चैनल पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम इंडियन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और चैप्टर हमारा दूसरा है माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब प्रवास। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि इंडियन इकोनॉमिक और इंडियन पीपल एंड इकोनॉमिक वाली जो बुक है वो चैप्टर हमने स्टार्ट करा है, तो इससे पहले भी माइग्रेशन के बारे में हमने वर्ल्ड वाली बुक के अंदर पढ़ा हुआ था, लेकिन अब हम इंडियन पीपल एंड इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं, तो माइग्रेशन का रिलेशन कहीं ना कहीं हम इंडिया से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है। तो माइग्रेशन मतलब आपको क्या होता है इस चैप्टर के अंदर जानने को मिलेगा, उसके कितने टाइप्स होते हैं वो जानने को आपको मिलेगा, एंड देन उसके बाद आपको ये भी जानने को मिलेगा कि माइग्रेशन के रीज़न क्या होते हैं एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। आई होप हम माइग्रेशन के आसपास जितने भी इसके रिलेटिव चीज़ें हैं वो सब जानने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो का पहला पार्ट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि माइग्रेशन अगर आप कर रहे हैं तो माइग्रेशन के बारे में भी आपको पता होना ज़रूरी है कि माइग्रेशन असल में होता क्या है, और माइग्रेशन की बहुत सारी डेफिनेशन आपकी किताब के अंदर लिखी हुई है, और आपने इससे पहले फिजिकल ज्योग्राफी वाले चैप्टर में फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर भी आपने काफ़ी हद तक माइग्रेशन के बारे में बहुत डीपली समझा था। नहीं समझा था तो लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, माइग्रेशन का मतलब होता है किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी व्यक्ति या किसी भी सामान का जाना, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ लोग लिखा हुआ है, क्योंकि माइग्रेशन को हम ज़्यादातर लोग से कंपेयर करते हैं, ठीक है। आई होप यू क्लियर दिस पॉइंट कि किसी भी एक स्थान से लोगों का आना या जाना, अब कहीं से कहीं पे भी हो सकता है, ये देश से देश के अंदर भी हो सकता है और देश से देश के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। तो माइग्रेशन में दो चीज़ बहुत मैटर करती है, प्लेस ऑफ ओरिजिन, ये आपने 12th की क्लास की पहली वाली बुक में पढ़ लिया था। प्लेस ऑफ ओरिजिन का मतलब होता है कि जहाँ से स्थान, जिस स्थान से व्यक्ति निकलता है, मान लीजिए कि आप यूपी के अंदर रहते हैं तो आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन हो गया, और जिस स्थान पे आप पहुँचते हैं वो आपका प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन हो गया। मान लीजिए कि आप यूपी से निकले और आप दिल्ली पहुँच गए, तो माइग्रेशन में आपने क्या करा, इसमें आपने क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ही माइग्रेशन करा, इंडिया के अंदर ही आप माइग्रेट हुए, यूपी से आप दिल्ली पहुंच गए, लेकिन जहां से आप पहुंचे, जहां पे आप पहुंचे वो आपका प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन हो गया, और जहां से आप निकल रहे थे वो आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन था। मैटर करता है कि कारण क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन एंड प्लेस ऑफ ओरिजिन आपको पता होना ज़रूरी है माइग्रेशन से रिलेटेड। तो दिस इज़ योर बेसिक। अब दूसरा है प्रवास के बारे में, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो क्या है कि एक होता है एमिग्रेशन, उत्प्रवास, किसी एक व्यक्ति को दो नाम से बुलाया जा सकता है। एक हमारा उत्प्रवास है जिसे आप एमिग्रेशन बोलते हैं। एमिग्रेशन का मतलब होता है जिस किसी भी स्थान से कोई भी व्यक्ति बाहर जाना चाहता हो उसे हम उत्प्रवासी कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि आप यूपी में हैं, ठीक है, तो ये आप, अगर आप इस समय यूपी में हैं और आप यहाँ से निकल रहे हैं तो वही, क्योंकि फिर आपका क्या हो गया, प्लेस ऑफ ओरिजिन हो गया, क्योंकि आप यहीं से तो निकल रहे हैं, है ना, ये प्लेस ऑफ ओरिजिन हो गया। अब यही सेम व्यक्ति यहाँ पर तो एमिग्रेशन कहलाता है, यहाँ पर क्या कहलाता है, उत्प्रवास कहलाता है, लेकिन यही सेम व्यक्ति जब दूसरी प्लेस पे पहुँच जाता है, यही सेम व्यक्ति, तो अब वो यहाँ के लिए जो नए स्थान पर पहुँच जाता है तो ये फिर उसका क्या हो गया, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन हो गया। मतलब जिस स्थान पर वो पहुँचा है वो हमारा प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन हो गया, तो यहाँ पर अब सेम यही व्यक्ति इमिग्रेशन यानी कि इमिग्रेंट कहलाएगा। एक ही व्यक्ति को दो नाम से पुकारा जा रहा है, प्लेस ऑफ ओरिजिन पे उसको क्या कहते हैं, इमिग्रेशन कहते हैं, और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पे उसे इमिग्रेशन कहते हैं। अब दोस्तों मतलब ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट माइग्रेशन के बारे में जो आपने काफ़ी हद तक पढ़ लिया था। अब आपको क्या लगता है कि माइग्रेशन आज से ही हो रहा है? नहीं, माइग्रेशन हमारे एंशंट टाइम से हो रहा है, और एंशंट टाइम पीरियड से हमारे ट्रैवलर, ट्रेडर्स, प्रीस्ट एंड पिलग्रिम्स बहुत लंबा ट्रैवल करते थे, बहुत लंबा माइग्रेशन करते थे, और लंबे लंबे डिस्टेंस पे ये नॉलेज के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, और बहुत सी बीमारियों को लाते ले जाते थे या अपने आप को सेव करते थे।
सो बेसिकली उस समय माइग्रेशन का मेन मकसद पैसा तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ गुड्स थी, वैल्यूज़ थी, मनी थी, स्किल थी, इन्वेंशन थे, उसके बाद व्यूज़ थे, और यहाँ तक हम लोग उस समय पे जर्म्स एंड डिजीज़ भी माइग्रेट कर लिया करते थे। क्योंकि माइग्रेशन का मतलब आप समझ गए होंगे कि माइग्रेशन का मतलब सिर्फ किसी एक व्यक्ति का दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पे या पहले स्थान पर पहुंचना नहीं है। माइग्रेशन हर चीज़ में होता है। हम गलती से जम्स भी लेके आ जाते हैं, जब आप एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे जाते हैं तो वो भी एक माइग्रेशन कहलाता है। अब इसका सबूत हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी मिलता था, जब हम क्या कहते हैं मेसोपोटामिया की कंट्री के साथ, मेसोपोटामिया के लोगों के साथ, या जो इराक में था, और इंडस वैली सिविलाइजेशन आपस में ट्रेड करती हुई दिखी थी, तो लोग उस समय पर माइग्रेट हुआ करते थे। अब माइग्रेशन ने बहुत तूल पकड़ लिया, बहुत तेज़ी पकड़ ली, जब आपका ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड हो गया हमें, और ट्रांसपोर्ट की वजह से नेटवर्क बिछ गए, और उसकी वजह से हमने क्या कहते हैं कि जो क्या कहते हैं चीज़ों को लाने ले जाने के लिए हमने ट्रेड को बहुत तेज़ी से कर दिया। क्योंकि माइग्रेशन में जो ट्रांसपोर्ट है उसने बहुत ही एक क्रांतिकारी रेवोल्यूशन लेके आया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट सर्विस भी बहुत इम्पोर्टेंट हुई माइग्रेशन के लिए, जिसने लोगों को और सामान को बहुत लंबी दूरी करने में मदद करी। और उसके बाद हमने इन्हीं समय पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स इस्तेमाल करने चालू कर दिए, और लोगों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट करने लग गए। इवन हम एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट भी उनको भेजने लग गए थे। ठीक है, तो आई होप यू क्लियर। अब यहाँ पे प्लेस ग्लोबली बहुत जगह थी, लोग इंडिया के अंदर बहुत जगह से आते थे और लोग इंडिया से बहुत जगह निकल जाते थे, तो ये सब माइग्रेशन कहलाएगा। ठीक है, माइग्रेशन, क्योंकि प्लेस से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर होना। अब दिस इज़ द की पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, आपको ये हिस्ट्री बताएगा। जैसे आप इंडियन डिस्पोरा बोल रहे हैं, जैसे आप भारतीय प्रवासी बोल रहे हैं, आपकी बुक के अंदर छोटे से कॉन्टेक्स्ट में ये दिया हुआ है। किसी स्टूडेंट ने मुझे सजेशन करा था कि सर आप ये जो बॉक्स के अंदर चीज़ें होती है उन्हें भी एक्सप्लेन किया करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और सच में इंपॉर्टेंट है। मैंने जब इन्हें देखा, आप देखेंगे आपके बुक के अंदर कॉलम के अंदर भारतीय प्रवासी या इंडियन डिस्पोरा करके कॉलम दे रखा हुआ। अब ये आपको इतिहास बताएगा कि प्रवास जो था ना वो हमारा अभी से शुरू नहीं हुआ। प्रवास यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट होना, वो आज से शुरू नहीं, वो बहुत पहले से शुरू हुआ था। तो इसके तीन पार्ट्स हैं, तीन इसके वेव्स हैं। एक तो उस समय जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, जब लोगों ने हमारे ऊपर राज किया था, तो उस समय भी लोग माइग्रेट हो रहे थे। दूसरा वो टाइम पीरियड था जिन दिनों क्या कहते हैं हमने प्रोफेशनल ट्रेडर्स थे उनको माइग्रेट करना चालू करा। और तीसरी वेव हमारी 1960 के बाद, यानी कि आज़ादी के बाद भी हमारे जो भारतीय प्रवासी लोग थे वो दूसरे प्लेस पे जाना चालू कर रहे थे या करते थे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। अब बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों ने ही हम पे राज किया था, और उस समय पे भारतीय लोगों को गुलामों की तरह ज़्यादातर वो लोग अपनी कंट्री के अंदर लेके जाते थे। जबकि कुछ कुछ सच है और कुछ कुछ झूठ है, लेकिन अगर हम ब्रिटिश पीरियड की बात देखें तो ब्रिटिश पीरियड पे ब्रिटिशर्स ने हमें मॉरिशियस, कैरिबियन द्वीप, फिजी और दक्षिणी अफ्रीका के प्लेसेस पे हमारे भारतीय लोगों को माइग्रेट करने की कोशिश करी। और ज़्यादातर ये लोग उत्तर प्रदेश के किसान होते थे और बिहार के किसान होते थे, और उस समय पे क्योंकि अंग्रेज लोग हमारी कंट्री के अंदर रहते थे तो मजबूरन हमें उनकी बात माननी पड़ती थी। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कैसे उस समय पे कितनी दिक्कतें हमें होती थी, और यहाँ पे हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कितना लंबा ट्रांसफ़र हो जाते थे उस समय पे, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट ट्रांसफ़र हो जाते थे। दूसरा इंडियन डिस्पोरा है हमारा फ्रेंच एंड डच कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे, जब फ्रेंच और डच के लोग थे उन्होंने हमें रीयूनियन द्वीप और उसके बाद कुछ सिलेक्टेड प्लेस आप देख सकते हैं यहाँ यहाँ पे इन लोगों ने हमें लेके गए, और ये भी उस समय पे उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों को लेके जाते थे। एंड देन पोर्तुगीज़ का पीरियड था, उन्होंने भी हमें दो प्लेस पे लेके गए थे, जो गोवा एंड दमन दीव के इलाकों से हमें लेके गए थे, माइग्रेट कर रहे थे। अब ये सारा का सारा माइग्रेशन प्रोसेस उस समय पे गिरमिट करके एक्ट होता था। आपने गिरमिटिया मजदूर सुना होगा 10th क्लास में, अगर आप पढ़ रहे हो तो 10th क्लास में भी आपने गिरमिटिया मजदूर के बारे में पढ़ा होगा। गिरमिटिया मजदूर एक तरीके का एक्ट होता है। आप सभी को पता है कि जितने भी
ब्रिटिशर्स थे या जितने भी लोगों ने हमारे ऊपर राज किया है, उस सब ने हमारे ऊपर लॉ की तरह, एक रूल की तरह राज करा था। और यहाँ पे किसानों को भी क्या कहते हैं, एक बॉन्ड के हिसाब से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाया जाता था। एक फिक्स टाइम पीरियड होता है गवर्नमेंट एक्ट के तहत, 6 साल के लिए, 5 साल के लिए। और किसानों को जिनको लेके जाया जाता था दूसरे प्लेसेस पे, उनको बताया जाता है कि वहाँ पे उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, खान पीन अच्छा मिलेगा, रहने के लिए सिस्टम अच्छा होगा, अच्छी लाइफस्टाइल हो जाएगी। इसलिए सारे के सारे किसान दूसरे प्लेसेस पे जाते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वहाँ पे उनके साथ बहुत बुरा होगा। ठीक है, तो ये पहला डिस्पोरा था। दूसरा है सेकेंड वेव्स। इस समय पे हमने बहुत सारे पेशेवर लोगों को ट्रांसफ़र होते हुए देखा था। ये एक्चुअली ये टाइम पीरियड बिल्कुल आपको आज़ादी से पहले का टाइम पीरियड मिलेगा, जिस समय पे हमारी कंट्री भारत के अंदर बहुत से लोग धीरे धीरे करके एजुकेटेड होने चालू हो गए थे। तो उस समय पे प्रोफेशनल वर्कर्स, ट्रेडर्स, आर्टिशंस, फैक्ट्री वर्कर, है ना, ये सभी लोगों को हमने क्या कहते हैं, माइग्रेंट करा। पहले तो सिर्फ और सिर्फ लेबर माइग्रेंट होती थी, लेकिन धीरे धीरे करके हमने एजुकेटेड लोगों को भी माइग्रेट करना चालू कर दिया। और उन्हें हमने थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और अफ्रीकन की बहुत सारी कंट्रियों में भेजा। इवन हमने इन्हें साउथ अमेरिका और उसके बाद साउथ नॉर्थ अमेरिका, इधर के प्लेसेस पे भी हमने इन्हें भेजने की कोशिश करी थी। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका और उसके बाद यूके के जितने इलाके थे, वहाँ पे कितनी सारी इंडियन लेबर माइग्रेट हो गई थी, जो आज़ादी से बहुत पहले हमारे जो बड़े बड़े लोग थे वो माइग्रेंट हो रहे थे उस समय पे। तीसरा टाइम पीरियड 1960 के बाद का स्टार्ट होता है, क्योंकि इस समय आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन, जिसे आप वैश्वीकरण का नाम देते हैं, वैश्वीकरण की वजह से भी लोग माइग्रेंट हो रहे थे। लोग जॉब की तलाश में, अच्छे लिविंग स्टाइल की तलाश में, डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैनेजमेंट के लोग, एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र, मीडिया के लोग, ये जितनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ थी, लोगों ने उस समय माइग्रेंट होना चालू कर दिया था आज़ादी के बाद भी, क्योंकि वहाँ पे उन्हें अच्छी जॉब मिलती थी, खान पान अच्छा होता था, वगैरह वगैरह चीज़ें होती थी। और उन लोगों ने उस समय पे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ऐसे इलाकों तक इन लोगों ने माइग्रेंट करने की कोशिश करी थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जिस समय 90s का टाइम पीरियड था, तो उस समय पे लिबरलाइजेशन की वजह से, आप उदारीकरण कहते हैं, तो भारत ने खुद अपने एजुकेशन और नॉलेज के बेस्ड पे इंडियन इमिग्रेशन करा था, यानी कि भारतीय प्रवासी करा था। यानी कि इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दुनिया भर के शक्तिशाली देशों के अंदर भारतीय लोग कितने ज़्यादा रह रहे थे, और कुछ लोग वहीं सेटल हो गए थे, और कुछ लोगों ने शिक्षा दीक्षा एजुकेशन लेके काम करके वापस भी आए थे। तो ये हमारा भारतीय प्रवासियों का इतिहास था, जो आपको जानने को मिला। आई होप यू गॉट सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस पॉइंट। कुछ छूट गया हो तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये हमारा इतिहास था। अब इससे इतिहास से हमें आने वाले प्रेजेंट के बारे में पता चलेगा, जो आप आने वाली वीडियो के अंदर देखेंगे। आप आने वाली वीडियो के अंदर पूरी तरीके से इसका रिलेशन इंडिया से रिलेटिव देखेंगे, और देखेंगे कि इंडिया के अंदर माइग्रेंट के लिए। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ईट पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे, उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।